रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। क्या आपने भी एक घर लिया है जिसकी ईएमआई आप भर रहे हैं पर उसका पोजेशन नहीं मिला है? वेल, इन लॉयर से मिलिए। इनके क्लाइंट को जमीन के पैसे नहीं मिले थे, इन्होंने उसको ट्रेन दिलवा दी। सीरियसली, राकेश जी बोल रहे हैं? जी, मैंने सुना आप लोगों को ट्रेन दिलवा देते हैं। 2007 में लुधियाना से चंडीगढ़ रेलवे लाइन बिछानी थी, उसके लिए रेलवे अथॉरिटीज ने कुछ लैंड एक्वायर की थी। अच्छा। उनके तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए ड्यू बनते थे। रेलवे को काफी अपॉर्चुनिटीज दी पर पैसे जमा नहीं कराए। हाँ। तो जज साहब ने फिर रेलवे की प्रॉपर्टी एक्वायर करने का ऑर्डर दिए, जिसमें स्वर्ण शताब्दी जो अमृतसर से दिल्ली जाती है, इसके साथ स्टेशन मास्टर के रूम वगैरह हमने जो प्रॉपर्टी दी वो उन्होंने अक्वायर करने अटैच करने के ऑर्डर दे दिए। मतलब स्वर्ण जयंती भी आपकी और लुधियाना स्टेशन भी आपका। जी, जड़ीश्री ने दिलाई है। सर, आपको कभी किसी ने बताया कि आपकी आवाज बिल्कुल डॉक्टर मशहूर गुलाटी की तरह? अगर आप मेरे को कभी चांसेस देंगे तो हो सकता है मेरी एक नई एंट्री हो जाए, उसमें वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी की तरह डॉक्टर मशहूर एडवोकेट हो जाए। तो सुनो ना दिल्ली, मंडे टू सैटरडे सुबह 7 से 11 आरजे गिनी के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1।